बाजी बाजी अच्छा इसका मैं आ जाओ ओके चलो मनीष को बुला के तो क्या आओ पहले मनीष की वजह सोलो फोटो कर लो आ जाओ मनीष भाई की सोलो फोटो करो मनीष भाई की सोलो फोटो करो हां सेंटर सेंटर ओए ओए इसका मैंने मनीष सर थैंक यू मनीष सर अच्छा ऊपर वापस खड़ा हो हां जी सर मनीष सर सर थैंक यू बाजी देना थैंक यू बाजी देना यस सर मनीष बाइट्स कर ले आ यार मनीष आ जा बाइट्स पहले तू इसे दो पक्का कर दो क्या फिर डराओ मत हमें नहीं 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 तो एक सेकंड मैं घर से मेरे को है इंतजाम पूरा रेडी तू साथ में आ यार बड़ा जो सच है हां जी केक गेम बाद में गाने छोड़ पहले बाइट ले लो बाइट ले लो गाइस रोलिंग थैंक यू जी देखो पूरा दिन क्या पूरे तीन दिन से हम बहुत बिजी हैं और बैक टू बैक शोज कर रहे थे काम कर रहे थे और मैं जा रहा था हैदराबाद में मेरी मेरा कॉन्सर्ट था मनीष के साथ तो मेरे इससे पहले कोई प्लान नहीं था कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे था कि मैं सिर्फ फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा बट ये जो बंदा है ये जो शख्स है इसने मुझे ईद को बोला परसों ही कि भाई नहीं नहीं भाई पार्टी करनी भाई करो भाई करो भाई करो मैं नहीं नहीं यार बहुत पार्टीज होती हैं वैसे ही हम रोज़ पार्टीज करते हैं क्योंकि कपिल भी मेरा पड़ोसी है नहीं भाई करो तो जस्ट इसके कहने पे ये सारा हमने इतना बड़ा पंगा ले लिया बिल्कुल सही है सच है बिल्कुल झूठी है और फ्लाइट में बैठे हैं सुबह हम लोग 6:30-7 बजे फ्लाइट में मैंने कहा भाई क्या करो बर्थडे पे और यार कुछ नहीं मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया और स्पेशली मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता पार्टी होनी है और ऑन द स्पॉट प्लान बनाया मेरे कल दोपहर में इन्होंने मुझे बोला अच्छा मनीष मैं कुछ कर रहा हूँ रात में इनवाइट आया और बस पार्टी होगी बिल्कुल जी और सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा जितने मेरे फैंस हैं और फैमिली मीडिया कि इतने सालों से आप मुझे झेल रहे हैं इतने सालों से मुझे प्यार मिल रहा है और अब फिर मेरा बर्थडे आ गया एंड आई एम श्योर कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं और आगे बढ़ूँगा और तरक्की करूँगा अरे सर कैसे हो हाँ जी गुड इवनिंग मैं वही हैरान हूँ अच्छा वाला ठीक था जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँचा हूँ एकदम से इतनी हवा इतना बारिश हो गई है वेल हमें ज़रूरत भी थी और हमसे ज़्यादा ज़रूरत तो किसानों को है सो मैं तो प्रे करूँगा कि जितनी बारिश मुंबई में होती है पूरे इंडिया में इतनी बारिश हो ताकि हमारे किसानों की जो फसल है उसको फ़ायदा हो बिल्कुल कोई नहीं मतलब न्यू नहीं करूंगा ना बिल्कुल ये नहीं करूंगा न्यू वेल देखो यार गाना हमारा आंख मारे था 1 बिलियन हिट हुआ फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है और क्या चाहिए बस आप लोगों का प्यार चाहिए दुआएं चाहिए यूं ही हम मेहनत करते रहें सो वंस अगेन थैंक्स टू माय ब्रदर इसने कहा पार्टी करनी तो हमने पार्टी रख दी फिर तो आई एम श्योर अभी काफ़ी थोड़ी देर में काफ़ी सिंगिंग विंगिंग होगी गाना वाना होगा और बारिश तो हुई और पहली बार मुंबई में लाइट भी गई हाँ बिल्कुल हम का लोग दिल्ली वालों को बोलते रहते हैं दिल्ली में लाइट जाती है लाइट आ भी गई है मेगा जी हाँ जी सलमान भाई की तरफ से कुछ स्पेशल विशेष आए सलमान भाई ने बहुत प्यार दिया हमेशा प्यार देते रहे और जब जिस दिन हमारा ईद को मैंने बताया भी था भाई का मैसेज भी आया था कि ज़रूर पार्टी करो और इंशाल्लाह अगर वो फ्री होंगे तो ज़रूर आएंगे वो हमेशा प्यार करते हैं बड़ा सपोर्ट करते हैं एंड उनकी दुआएं हमारे साथ हैं मुझे बहुत सारे वैसे मैं बता दूं बहुत सारे इन्होंने राज मुझे ऑलरेडी बता दिए हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या बम फोड़ने वाले हैं ये आई होप ये खुद ही बताएं बट पता नहीं पाजी वो पाजी पे छोड़ता हूं बिल्कुल यार देखो मैं पिछले 2 साल पहले मैंने प्लान किया था कि मेरे गाने कम आने चाहिए मतलब हर
छः महीने में एक गाना आना चाहिए। तो फिर ये जस्सी मेरा भाई है, मुझे कहता नहीं भाई तुम्हें हर दो महीने तेरा गाना आना चाहिए था। सो अभी हर दो महीने में तो नहीं, लेकिन हर चार महीने में एक पटाखा। पहले इनका था कि हर छः महीने में एक आना चाहिए, फिर अपने आप ही हो गया कि हर एक महीने में छः गाने इनके। नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा ही हाल है और सारे सुपर डुपर हिट आने लगे, वो तो मतलब कहने की बात ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जिसके गाने चलते हों उसके गाने आने चाहिए। बिल्कुल, क्या अभी हमारे ब्राइट साहब बैठे हैं, ये रहे योगेश जी। मतलब योगेश जी ना हो तो मुंबई में होर्डिंग ना हो भाई, ये रहे। और योगेश को मैं बताना चाहूँगा पूरी मीडिया को, कभी भी हमें ये सपोर्ट नहीं करते। ये हमेशा बोलते हैं और हर जगह बीच में आ भी जाते हैं, जैसे अभी भी आ गए, लेकिन कभी भी ये हमें सपोर्ट नहीं करते। आज ये बोलेंगे कि भाई मैं बड़ा होर्डिंग लगाऊंगा, हैप्पी बर्थडे का लगवा रहा हूँ, बर्थडे का कल का कल लग जाएगा। सबके सामने बोल रहे हैं, मेरा भी 3 अगस्त, ठीक है। मीका जी की लाइफ का पहला होर्डिंग मैंने लगाया। बिल्कुल जी, और वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी आप मीडिया की तरफ से आप लोग आए अपना कीमती टाइम निकाल के, कि आप हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, बस आप ऐसी इस तरह अपनी ब्लेसिंग्स रखना। सॉरी, क्या कह रहे हैं? नहीं यार, मैं मुझे बस इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है और इंडिया में इतने मेरे फैंस हैं, और मुझे कोई नहीं होता कि मुझे बाहर जाके गाना हिट करना, मुझे होता कि मेरा इंडियन सॉन्ग्स ही, इंडिया में अवार्ड्स मिलते रहे, इंडिया में प्यार मिलता रहे। सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो है जब मेरे फैंस मुझे प्यार करते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं बोलो सारे हाय, थैंक यू प्लीज कम, वुड यू लाइक टू विश मी, पलक प्लीज आ यार, देखो इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स आए हैं, यूलिया मैम आई हैं एंड पलक भी है। हाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, सॉरी, एक मिनट, हाउ आर यू? हाय, हेलो, हाउ आर यू? प्लीज फोटो कर ली, आ जाओ, I'm not going to do that.
शर्मा में क्या कहना चाहेंगे? क्या स्पेशल तैयारी के पहले तो ये जानना चाहेंगे? देखिए, बर्थडे तो सबका स्पेशल होता है, एंड स्पेशली जब आपके दोस्तों का बर्थडे है तो और ज़्यादा स्पेशल होता है। मेका को मैं इतने सालों से जानती हूँ और मेरे अब तो मेरी बिल्डिंग में रहते हैं तो मेरे पड़ोसी भी हैं तो बहुत स्पेशल दिन है। और इसी स्पेशल दिन में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेका, आप बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दें और आप और तरक्की करें, बहुत तरक्की करें। ओके मेका जी, मैं ऐसी कौन सी क्वालिटी जो वो दूसरे सिंगर्स या दूसरे जनों से अलग करता है? एक तो उनकी आवाज़ इतनी यूनिक है, आई थिंक खुदा ने उन्हें बहुत ही यूनिक आवाज़ से नवाजा है, प्लस वो बहुत दिल से गाता है, यू नो ही इज़ लाइक ऑल देयर, सब डाल देता है अपनी पूरी रूह को उसमें, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वेरी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव। और उसके अलावा वो उनमें ना एक बचपना है, इज़ लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, तो मैं उनसे छोटी उम्र में, बट आई ट्रीट हिम लाइक एज इफ आई एम एल्डर टू हिम, so I think I like that endearing, it's a very endearing quality to be like a child. Okay Sharma ji, last koi birthday wish after song ke through dedicate karna chahoge to kaun sa wo song rahega? Any song, birthday ka song, birthday ya anything you like to dedicate to Mika ji? Oh god, you know ye gaane sab suddenly aap poochte ho na, sab dimag blank ho jata hai ekdam. Koi yaad dilao yaar, baar baar kiye gaye. हाँ, वो तो टिपिकल बर्थडे सॉन्ग है, मतलब इफ़ यू वांट अ बर्थडे सॉन्ग देन या आई रियली लाइक दिस, हम भी अगर बच्चे होते, नाम जो होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलता लड्डू। ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे, मीका जी का बर्थडे है आज, क्या स्पेशल है? आपने देखा बहुत धमाल मस्ती हुई है, बट क्या कहना चाहेंगे और क्या स्पेशल तैयारी की थी? एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बर्थडे हो रहा है सेलिब्रेट, एक तो मॉनसून आया है, उनके बर्थडे पे आया है, एंड एवरीबडी इज़ हाई ऑन एनर्जी, एंड इतने सारे उनके अमेजिंग गाने हैं कि उन्हें एडिशनल म्यूजिक की ज़रूरत ही नहीं है, सो या सच अ म्यूजिकल बर्थडे पार्टी। मेकअप आज का बर्थडे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और सावन ने आग भी लगा दी है, तो अब तो बस पार्टी तो बनती है, पार्टी चालू हो चुकी है, एंड इसी तरह गाते रहो, मशीन हिट मशीन की तरह गाते, एक के बाद एक गाना देते रहो, यही हम लोग की विश है। कौन सी क्वालिटी जो मीका जी को अलग करती है दूसरे सिंगर से या दूसरे जन? आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक फिलोसोफिस्ट भी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, इनफैक्ट उनका एक मिशन भी है डिवाइन, जिसके ज़रिए वो बहुत सारी लड़कियों की मदद करते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत सुबसा होने के साथ साथ, सो दैट समथिंग विच मेक्स हिम अ पार्ट। ओके, आज अगर सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे मीका जी को तो कौन सा होगा? I'll sing मेरा ही गाना जो उनके साथ गाया हुआ है जुम्मे की रात। नजरे तुझ पे मेरी, ले लूं मैं जान तेरी, पीछा ना छोड़ तेरा मैं यहाँ, प्यार में दूंगी सजा, मुझसे बच के तो दिखा, आज तू जाने वाला है कहाँ, सारी की सारी है तू गोला बारी, के मुश्किल है खुद को बचाना, बारी न डाले मेरी जान निकाले, उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। सुबह पैगे देखा है, मतलब थैंक यू, थैंक यू, एक मिनट पहुंच जाएगा, जो लगे जो ले ले, जगह कम है ना, ले लूंगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मीका ने सारी तैयारियां की हैं, बहुत अच्छा पार्टी है ऑलवेज, मीका इज़ अ फिनोमिनल होस्ट, जितनी बार भी मैं उसके घर गया हूँ, जितनी बार भी उसके बंगलों पे गया हूँ, उसके फार्म हाउस पे गया हूँ, उसकी पार्टियों पे गया हूँ, हमेशा ही अतरंगी होती हैं, ही इज़ अ फैबुलस गाय, ही इज़ दिलदार आदमी है, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन हिज कंपनी। बहुत टाइम से मीका जी को जानते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी जो उनको दूसरों से अलग करती? वो किसी की परवाह नहीं करता, मीका किसी की परवाह नहीं करता, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, एंड ही इज़ रियली अ वेरी वेरी नाइस गाय एंड वेरी जेन्युइन गाय, सो मेरी दोस्ती उससे इसलिए है क्योंकि एक बहुत अच्छा आदमी है। ओके, लास्टली एक सॉन्ग अगर डेडिकेट करना चाहेंगे आज बर्थडे के दिन तो कौन सा होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, नो अदर सॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके वरुण सर,
मीका जी का आज बर्थडे है, फुल एनर्जी पैक मारी चल रही है, क्या क्या धमाल मचने वाला है? धमाल आई थिंक अंदर जाके अभी पता चलेगा क्या धमाल मच रहा है, अभी तो मैं बाहर ही हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। बट आई एम श्योर कि हमेशा मीका पाजी की जिस तरह से परफॉर्मेंस एकदम दमदार होती है, उनकी जो गेट टुगेदर्स होती है, जो इवनिंग होती है, वो भी बहुत धमाकेदार बहुत दमदार होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ गोइंग इनसाइड मीटिंग मीका पाजी, गिविंग हिम अ टाइट हग, विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो हाउ द इवनिंग इज़ गोना टेक। मेकअप आई थिंक उनकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो एकदम दिल खोल आदमी है। मतलब जो उनके दिल में होता है वो उनके ज़बान पे होता है, जो वो महसूस करते हैं वो सीधा बात करते हैं, और एकदम पंजाबी स्टाइल जो प्यार होता है वो आई थिंक वो पंजाबी स्टाइल प्यार करते हैं सबसे। ओके, लास्टली एक सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहेंगे आज के दिन, आज के दिन पे आज पहली बरसात भी हुई है मॉनसून का, आज पहली बारिश हुई है, तो आई थिंक मीका पाजी के बर्थडे पे उन्होंने जेन्युइनली सावन में जो है आग लगा दी है। थैंक यू। ओके सुरेश सर, आज मीका जी का बर्थडे है, फुल धमाल मस्ती चालू होने वाली है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितना मजा प्लान है, क्या करने का बहुत बहुत टाइम बाद मिल रहा हूं इतो पाजी को। आई थिंक जब से हम लोग फिल्म शूट करके वापस आए लंदन से, उसके बाद एक ही बार मिला हूं। आई थिंक फाइनली पार्टी कर रहे हैं। अभी तक पाजी का जो पार्टी स्टाइल है वो सबको ही पता है, जब पाजी पार्टी करते हैं, जब किंग मीका पार्टी करता है तो क्या होता है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड है एंड विशिंग पाजी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, पाजी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनको डिफरेंट करते हैं दूसरे से? यार आई थिंक जितना बड़ा दिल वो इंसान लेके घूम रहा है ना, आई थिंक उसको उनको वो चीज़ जितना बड़ा बनाती है वो कुछ नहीं बनाता। आई थिंक यू नो, सो आई थिंक ही इज़ ब्लेस्ड विद अ बिग बिग हार्ट एंड वेरी लाइक हार्ट ऑफ गोल्ड। सो आई थिंक हाँ, मीका पाजी को सिंगर से तो हम तो जरूर जानते हैं, बट जल्दी आपकी मूवी प्रोड्यूस भी करें आदर डायरीज, तो कितनी कंप्लीट हो गई और क्या? यार शूट खत्म हो गया, फर्स्ट कट आई थिंक रेडी है, बहुत जल्दी डबिंग खत्म हो गई। आई थिंक हम लोग होप कर रहे हैं अगस्त सितंबर तक फिल्म रिलीज हो जाए। सो लेट्स सी। ओके, लास्टली एक सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहेंगे आज के दिन मीका जी को। बारिश आ गई, दबा के धमाल हो गया, सावन में लग गई आज आज। सावन में लग गई आग दिल में रहा, ओ सुले हसीना पागल दीवानी, सुले हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात दिल में रहा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मीका जो मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यार करता है, और उसने आज मुझे दावत दी तो मैं पहुंच गया, क्योंकि दिल का बहुत साफ साफ है और वो बहुत प्यार करता है, वो और उनके बड़े भाई दिलेर दोनों। तो आज मैं सिर्फ मीका के लिए आया हूं और मुबारकबाद देने। अब पार्टी चलती रहेगी तो अब पार्टी करेंगे बच्चे। मीका का सबसे मेरे मुझे जो लगता है एज अ सिंगर एज अ परफॉर्मर, वो स्टेज पर जब वो परफॉर्म करता है ना, तो चाहे वो बड़ा शो हो चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, ही इज़ गॉट दैट, उसके हाथ में वो एक स्टेज प्रेजेंस है, बहुत कमाल का करता है वो बहुत। और अपने हिसाब से वो जो उसका एक अलग टोनल क्वालिटी है वॉइस की, और वो अपना ही गाता है, तो आई थिंक इज़ अ ग्रेट स्टेज परफॉर्मर एंड इज़ अ ग्रेट पर्सन टू। मैं कर दिया ऑलरेडी, अंदर कर दिया, मैं बार बार दिन मैं गा दिया अंदर, मीका ने बुलाया स्टेज पर, मैंने गा दिया, अब वहाँ से ले लिया। आई नो इन फैक्ट अभी मैं वही कह रही थी कि मीका के सारे गाने जो हैं वो इतने तड़कते भड़कते और इतने धमाल वाले गाने हैं कि एक चूज ही नहीं कर सकती मैं। एंड मीका इज़ अ वंडरफुल पर्सन,
मैंने फर्स्ट टाइम जब काम किया था और कैमरा जो फेस किया था तो वो मीका के साथ ही था, तो उन्होंने बहुत हमेशा से ध्यान दिया. हमने कितने शोज़ किए हैं साथ में, तो काफ़ी टाइम हो गया हम एक दूसरे को जानते हैं. और यू नो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, वो कभी भी घर आ सकते हैं. तो उनका बर्थडे है आज, एंड मैंने बोला यार आज तो बड़ी धूम मचानी है. मीका की सबसे बेस्ट बात मैंने जो नोटिस की है हमेशा से, ही इज़ अ थरो प्रोफेशनल. अपने काम को लेके जितना वो सीरियस है और जिस तरह से मैंने उनको देखा है काम में फोकस करते हुए, ही इज़ आउटस्टैंडिंग. और ये चीज़ मैंने इनफैक्ट उनसे सीखी भी है, किस तरह से काम के वक्त सिर्फ काम में ध्यान देंगे वो. उनकी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है. ओके, लास्टली आज के दिन पे कौन सा सॉन्ग है जो डेडिकेट करना चाहेंगे मीका जी को? मीका के देखिए उनके सारे गाने वैसे मुझे बहुत पसंद है. एक गाना है जो मुझे लगता है कि उनको बड़ा सूट भी करता है, वो है मौजा ही मौजा. तो मैं मौजा ही मौजा ही डेडिकेट करना चाहती हूँ उनको. मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुड, मौजा ही मौजा एवरीबॉडी नाउ, मौजा ही मौजा. थैंक यू, थैंक यू. धमाल मस्ती हम कर रहे हैं और उनको बोल भी आए कि भाई जा रहे हैं, सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आए हो इतना ही बहुत है. सो आई लव यू मीका पाजी. आप आज आपके बर्थडे पे कहते ना, जब तानसेन गाते थे तो दिए जल जाते थे, बारिश ही हो जाती थी. आज हमारे तानसेन का बर्थडे है इसलिए बारिश हो गई. और बस खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मकसद होता है निकलो, तो हम निकल रहे हैं. अंदर चली तो रहा है अंदर, वो नाच रहे हैं. अभी 12-1 बजे अभी पार्टी शुरू हो रही है. सो बस हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. आप तंदुरुस्त रहिए, ऐसे ही हमको गाते रहिए, सुनाते रहिए और हंसाते भी रहिए, क्योंकि मीका बाजी बहुत हंसाते हैं. ओके हर जी, कांग्रेचुलेशंस, आपने जो राइटिंग था और पीएम मोदी को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग होने वाली है? फ्यूचर प्लानिंग का तो अभी कुछ पता नहीं, अभी तो उसी की तारीफ़ें बटोर रहे हैं लोग, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. तो बस वही एक्सपेक्टेशन थी नहीं लोगों को कि बिकॉज मैं कॉमेडी लिखता हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है लोगों को, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है. ओके, बाकी मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है? मेरा भी सारा ध्यान खतरा खतरा की तरफ है. मैं खतरा खतरा की तरफ ध्यान दे रही हूँ अभी. बाकी मैं फिल्में बहुत कम देखती हूँ. हर्ष की मेहनत देखी थी, बहुत डे नाइट काम करते थे. अब पता नहीं चल रहा था किसके लिए काम कर रहे हैं, खतरा खतरा के लिए या किसी और चीज़ के लिए. बट जो भी है अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा. और बस मंडे टू फ्राइडे कलर्स पे खतरा खतरा देखना मत भूलना भाई, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है बच्चों की ऑडियंस है, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं. तो मोस्ट वेलकम जितने भी बच्चे खतरा खतरा के फैंस हैं, आ जाइए आपको गेम खिलवाते हैं. Oh, man. 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 Oh, man.
उधर से आ जाओ, उधर से, उधर से जा, उधर से जा। अरे एक मिनट, अंबिका जी मेरा पहला गाना जो था सामने लग गया उसके अंदर गुलशन जी थे एंड हमेशा मेरे लिए बहुत लकी हैं एंड मैं बहुत न्यू कमर था, इन्होंने तब भी मेरे लिए काम किया। थैंक यू सो मच। मिका का वो गाना सावन में लग गया जो कि मैट क्या कहते हैं कि ऐसा जबरदस्त गाना, ऐसा फैंटास्टिक गाना जिसकी क्या कहते हैं कि सभी प्यार से जिक्र करते हैं, बात करते हैं, और वही मैं और संजय गुप्ता रास्ते में बात कर रहे थे कि आज की पार्टी मेरी तरफ एक्चुअली इनकी तरफ से है। केबी जी आज खास गिफ्ट लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे हम में मेकअप पाजी से इतना सारा प्यार है कि हम में नहीं जानते एक्चुअली। बहुत ही मेहनत से बनाया बिकॉज जनरली हम जो फील करते हैं ओके ये हमें तुमसे प्यार कितना जो है एक्चुअली सबके लिए लागू होता है, चाहे वो मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड, यू नो बिकॉज यू लव देम सो मच यू डोंट नो आप कितना प्यार करते हो उनसे। सो ये टाइटल ही ऐसा है कि हमें तुमसे प्यार कितना, आप किसी को भी बोल सकते, टाइटल नहीं है ये, एक दिल की आह है, एक दिल की विश है कि लाइक हमें तुम लोगों से प्यार कितना, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, आप लोग यहाँ रात रात और खड़े रहते हो एक बाइट लेने के लिए। यू गाइस आर सो अमेजिंग, वी लव यू सो मच। हाय हाय भाई, शॉर्ट क्या करना है यार, मैं यही कहना चाहूँगा सीनियर सिटीजन को कि आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही तंदुरुस्त रहिए, और रियली यू नो व्हाट, बिकॉज माय डैड यू नो वो रोज़ सुबह जाते हैं वॉक के लिए, योगा करते हैं और अभी भी मुझसे यंग लगते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपका भाई आ रहा है क्या, तो मुझे बहुत गर्व होता है व्हेन आई सी माय डैड एंड आई सी सो मेनी अदर सीनियर सिटीजंस यू नो, सो दे आर ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सर सर एक साथ फोटो हो जाए। अरे जी जी आप पहले करने दो ना, आप अरे हरी मिला के बारिश लेकर आए हैं और
विपरीत है उससे बिल्कुल यारों के यार हैं एंड आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, ऐसे ऐसी कौन सी एक चीज है जो उनको अलग करती है दूसरे सिंगर से? बहुत हम्बल है उनका जो एटीट्यूड है, वो लोगों को ये लगता है कि बहुत एरोगेंट है और बहुत ऐसे स्ट्रट अराउंड करते हैं, वैसे है नहीं। असलियत में क्या है कि वो जहाँ से आए हैं, जितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट सिंगर्स में से माने जाते हैं, आई थिंक ही इज़ मोर ही शाय, सो ही डजन शो हिज रियल सेल्फ। तो कभी कभी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से आया हूँ और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो एक परसोना लेके जाते हैं, ये परसोना उनका है, लेकिन असलियत में बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट है। और आप मानेंगे नहीं, मैं हम लोग अभी शूटिंग कर रहे थे, गुप्ता साहब, मैं, गुलशन सर, जॉन, इमरान, हम लोग वो ख़त्म करने के बाद भी यहाँ आए बिकॉज ऑफ मी। Okay, लास्टली एक सॉन्ग अगर डेडिकेट करना चाहिए आज के दिन मीका जी को, कौन सा? सावन में लग गई आग दिल मेरा। क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू मीका यार, वो बहुत पुराना दोस्त है हमारा। उसका करियर जब शुरू हुआ था, जब से मैं जानता हूँ, 98 में हम शो में गए थे दलेर भाई के अमेरिका में, तो पहला ट्रिप था मीका का उस वक्त, तो जब से मेरी एक पहचान है और प्यार है उस वक्त। मैं क्या कहूँगा, बहुत बहुत बार हम हमारे शो बुगी बुगी में बहुत बार आए हैं और बहुत मस्ती करते हैं और बहुत नोटी आदमी है, लेकिन बहुत अच्छे आदमी, बहुत प्यारे आदमी, दिल वाले आदमी है। हाँ, दिल वाला, सही बात। ओके सर, मीका जी एक बहुत ही खुद मीजा इंसान है, और ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको जो बहुत पसंद आती है उनको? वो हंसते रहता है उसकी एक हंसी है, बड़ी मजे किया, मजा आता है। सर एक हटके सवाल है, अपने सीनियर सिटीजन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश के सीनियर सिटीजन काफी मुद्दे हैं उनको लेकर। किसको? सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन क्या यार, उनकी तो इज्जत करनी चाहिए, तो रिस्पेक्ट, हमारे जो देश की सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसमें जो महत्व है बुजुर्ग का और बुजुर्ग की इज्जत का, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मॉडर्न कितने भी हो जाए, लेकिन सीनियर सिटीजन उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो मतलब कौन रखेगा? क्या मुद्दे हैं सर, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो माँ बाप को छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रम में? वो सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है कुछ ऐसा नया, कुछ सेल्फिश हो गया, सेल्फिश लोगों में, माईसेल्फ, मैं बस, मेरा ये। और जब तक वो सेल्फिश होगा तो आदमी, जब तक कुर्बानी तो चाहिए ना, एक दूसरे के लिए जीने का मकसद होता है ना, वो साइकिल ऑफ, वो सर्किल ऑफ लाइफ। भाई आपके लिए माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपना पेट काट काट के पाला, कैसे कैसे पाला होगा, आप उनको कैसे छोड़ सकते? ये तो खैर इंसानियत की बात है और कुछ नहीं। और आपके परिवार सभी को बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों का प्यार मिला है, एक नया मेंबर आने वाला है, आपका बेटा भी आ चुका है, बहुत ही अप्रिशिएशन। एज अ फादर क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, जो पॉजिटिव? कोई भी, ऑब्वियसली कोई भी फैमिली का मेंबर होगा तो आदमी खुशी होता है और आदमी उम्मीद करता है कि वो खरा उतरे, अपने काम में मेहनत करे और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे और अपने काम में आगे बढ़े, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम में फोकस रखे, और अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक बहुत बड़ी एक देन है, ऊपर वाले की रहमत है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा भतीजा है, क्या कहूँ मैं, हम बचपन से देखा है, पाला है, खेले हैं साथ में, आज बड़ा हो गया, आज लगता है कि वो आए, इज बिकम अ मैन, पहले लड़का था, अब वो आदमी बन गया, अब वो कर रहा है अपना काम, हमारी दुआएं साथ में, और वो अच्छा कर रहा है काम, बहुत अच्छा कर रहा है काम, और बस यही है क्या, और आगे बढ़े। कितना धमाल मस्ती हुआ
मिक्का जी का बर्थडे है और धमाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मिक्का इज ट्रूली द किंग एंड वहाँ पे अंदर बिल्कुल रॉयल्टी जैसा ट्रीट हो रहा है सब गेस्ट का. बहुत मस्ती हो रही है, हमने खूब डांस किया. मिक्का इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड आई लाइक टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस. ओके, मिक्का जी आपके ओल्ड फ्रेंड है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनको अलग करती है दूसरों से? ही इज अ किंग. मतलब मैंने देखा है, मतलब मिक्का से बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता. ओके, सब लोग ने एक ना कोई कोई सरप्राइज किया है पार्ट इधर इसमें, तो आपने कोई सरप्राइज आज दिया है मिका जी? आज मैंने आके मिका को सरप्राइज कर दिया. मैं जब लास्ट मिका के बर्थडे आई थी तब कांड हुआ था, उसके दिन के बाद आज आपने काटा लगा भी अंदर सुनने में. जी मिका का बर्थडे था, वो परफॉर्म तो करना ही था. मिका ने बजाया मेरा गाना, मैंने खूब नाचा. ओके, एक सॉन्ग अगर डेडिकेट करना चाहेंगे आज के दिन मिका जी को, क्या होगा? इस गबरू पर. क्या कहना चाहेंगे आपने? मीका पाजी का बर्थडे है, पंजाबी मुंडा. मीका पाजी यारह के यार ने. मीका पाजी बहुत गोल्डन हार्टेड है, क्योंकि जब तक इनसे मिले नहीं थे तो ये और तरह के थे. मिलने के बाद पता चला ये बिल्कुल ही और हैं. सो आई विश हिम गुड लक एंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि मीका पाजी जैसे हैं वैसे ही बने रहें. बस क्या धमाल के क्या गाने वाने गाए आज? नहीं नहीं, गाने तो मीका भाजी गाते हैं, हम हमारा काम गाना गाना है ही नहीं. पंजाबी कुछ बर्थडे अलग ही होता है वैराजी. ये तो आपने देख ही लिया. हाँ, तो क्या और आपने गलत टाइम पर बुला लिया. गलत टाइम पर बुला लिया, भूख लगी, आपने खाना खाते बंदे का रोक लिया. कहते हैं भूखे साधु को रोकना नहीं चाहिए खाना खाते हुए. राजीव, एक अलग अटकी सवाल है जी.